एवरीवन, दिस इज दीपक एंड वेलकम टू कॉमिक जोम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारा गिटार जो है उसकी जब नेक बेंड हो जाती है तो आप उसको किस किस तरीके से ठीक कर सकते हैं और क्या क्या मेथड होते हैं, कौन सा मेथड जो है सबसे बेस्ट है और किस तरीके से आप घर पे भी इसको ठीक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पहले मेथड की, जो कि सबसे इफेक्टिव है और सबसे ज़्यादा इजी है, हम घर पे बैठे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो गिटार की जो आपको नेक बेंड हो जाती है तो उसका रीज़न क्या होता है कि आपका जो गिटार होता है वो बहुत टाइम तक पड़ा होता है और आपका फ्रेटबोर्ड जो होता है उसकी सीजनिंग नहीं होती है, या फिर ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा सर्दी की वजह से भी गिटार में नेक बेंड की प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके गिटार में ट्रस रॉड है, ट्रस रॉड यानी कि यहाँ पे एक आप देख रहे होंगे एक रॉड का आपको साइन दिख रहा होगा, रॉड दिख रही होगी जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक होती है पूरे गिटार में, आप एलन की मदद से उसको ठीक कर सकते हैं। कैसे करना है उसका ट्यूटोरियल हमने बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा, आप देख सकते हैं कैसे आप गिटार को ठीक कर सकते हैं। अगर आपके गिटार का एक्शन कम है, यानी कि फ्रेटबोर्ड और स्ट्रिंग्स के बीच में जो डिस्टेंस है अगर वो कम हो रखा है तो आपको क्या करना होगा, वो बढ़ाना होगा। और जब आप एलन की लगा के इस तरफ को घुमाते हैं तो आपका एक्शन जो होता है बढ़ता है। अगर आपका एक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रखा है, अगर आपकी गिटार की जो नेक है वो आगे की तरफ बेंड हो रखी है, यानी कि एक्शन बढ़ गया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एलन की लगा के अपना जो फ्रेटबोर्ड है उसमें एलन की लगाएंगे यहाँ पे अंदर की तरफ से, और आपको गिटार की एलन की को उस तरफ घुमाना होगा तो आपका गिटार का एक्शन जो होगा वो कम हो जाएगा। तो इस तरीके से पहले मेथड में आप एलन की मदद से अपना गिटार का एक्शन जो है एडजस्ट कर सकते हैं और नेक बेंड को रिपेयर कर सकते हैं घर में बैठ के। दोस्तों, दूसरा मेथड जो है वो उन गिटार के लिए जिन गिटार में ट्रस रॉड नहीं होती है, जिन गिटार में ट्रस रॉड नहीं होती है उसमें आपको गिटार को रिपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वो खुद घर पर ना करके आप वो किसी म्यूज़िक स्टोर में या किसी एक्सपर्ट के पास लेके जाएं जो उस गिटार को ठीक कर पाएँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो देखनी पड़ती हैं और आप तभी उस मेथड को अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि कैसे वो मेथड अप्लाई होता है और कैसे हम यहाँ पे गिटार जिनमें ट्रस रॉड नहीं है हम उन गिटार को रिपेयर करते हैं। तो हमें सबसे पहले देखना पड़ता है कि गिटार में क्या है, कि सिंगल फ्रेट पे बजिंग है, मल्टीपल फ्रेट में बजिंग है, या पूरे गिटार में बजिंग आ रही है। अगर सिंगल फ्रेट में बजिंग है तो थोड़ा सा ईजी रहता है, हमें क्या होता है जो जिस फ्रेट में बजिंग होती है उसको रिपेयर करना पड़ता है और बाकी फ्रेट जो होते हैं ऑटोमेटिकली सही हो जाते हैं। अगले स्टेप में क्या है कि अगर एक फ्रेट में बजिंग नहीं है, मल्टीपल फ्रेट्स में बजिंग है, तो हमें देखना पड़ता है कि गिटार का एक्शन एकदम लो हो रखा है तो किस वजह से हो रखा है। तो गिटार के एक्शन को है, यानी कि स्ट्रिंग्स और फ्रेटबोर्ड के बीच में जो डिस्टेंस है उसको बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे ये जो पार्ट होता है इसको नट बोलते हैं, इसकी लेंथ ऊपर की जाती है ताकि आप जो इसका एक्शन है बढ़ा सकें, नहीं तो ये जो सैडल है इसकी लेंथ ऊपर की जाती है ताकि एक्शन बढ़ाया जा सके, और इस तरीके से नेक बेंड जो है वो ठीक हो जाती है। लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा हाइट हो रखी है गिटार की, यानी कि स्ट्रिंग्स और फ्रेटबोर्ड के बीच में जो डिस्टेंस है वो काफ़ी बढ़ रखा है, तो उसके लिए एकदम अपोजिट हम करते हैं जो हमने अभी इसमें किया। जो सैडल है उसको हमें, ये जो सैडल है इसको हमें घिसना पड़ता है और इसकी लेंथ जो है कम करनी पड़ती है, और इस तरीके से ये जो है ये हमारा जो नट है इसको भी हमें घिसना पड़ता है ताकि इसकी लेंथ कम कर पाएँ, और इस तरीके से हम एक्शन जो है इसका कम करते हैं। लेकिन आप एक्सपर्ट नहीं है, हो सकता है आप इसको खुद ट्राई करें तो हो सकता है कि आपका गिटार भी ख़राब हो जाए, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको, ये उसी केस में रिकमेंड करूँगा मैं जब आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आपके घर से दूर दूर तक कोई भी दुकान अवेलेबल नहीं है, तभी आप ये ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप ये म्यूज़िक स्टोर पर लेकर जाइए और वहाँ से रिपेयर करवा सकते हैं इस ऑप्शन में। दोस्तों, थर्ड ऑप्शन जो है उसके बारे में बात करते हैं। थर्ड ऑप्शन होता है हीट का, यानी कि हीट की मदद से हमारी जो नेक होती है उसको हम ठीक करते हैं। इसके लिए भी हमें एक्सपर्ट की नीड होती है और मैं आपको बता देता हूँ इस ऑप्शन में क्या होता है और कैसे इसको ठीक करते हैं। हमारा गिटार जो होता है कई बार बेंड हो जाता है और ये जो नेक होती है ये पीछे या आगे की तरफ मुड़ जाती है, तो हम क्या करते हैं इसको हीट की मदद से, या तो हॉट चैम्बर होता है हमारे पास रिपेयरिंग के लिए, या फिर क्या होता है कि हम एक लकड़ी के ऊपर इसको रख देते हैं और उसके बाद धीरे धीरे करके इसको हीट की मदद से और प्रेशर की मदद से हम क्या करते हैं इसको सेट करते हैं और एक दो दिन के लिए छोड़ देते हैं, और कांस्टेंट हीट जो होते हैं अप्लाई करते रहते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, हमारा फ्रेटबोर्ड सीधा हो जाता है। उसके बाद जो थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट होती है वो हम फ्रेट वायर उतार के इसको सीधा करके भी कर सकते हैं, और इसकी मदद से हम अपना गिटार जो है वो ठीक कर लेते हैं। ये भी जो प्रोसेस है ये मैं
कुछ वीडियोस के बाद आपको बताने वाला हूँ, लेकिन ये घर पे अप्लाई करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उतना प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, वो सब जो टूल्स हैं वो आपको लेके आने पड़ेंगे, तो आपको उतना खर्चा वैसे ही आ जाएगा जितना आप स्टोर में जाके रिपेयर करवाते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा अगर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है तभी अप्लाई करें, अदरवाइज़ ये भी आप अपने नियर बाय स्टोर से करवा सकते हैं, क्योंकि ये सब जो ऑप्शंस होते हैं टेक्निकल होते हैं, आपको एकदम ध्यान रखना पड़ता है, आप अपना गिटार ख़राब भी कर सकते हैं, तो बिना गिटार ख़राब करे आपको ठीक करना होता है। अगर आप एकदम टेक्निकली साउंड है, अगर आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं तभी आपको ये चीज़ जो है अप्लाई करनी चाहिए। दोस्तों फोर्थ ऑप्शन क्या होता है कि गिटार में जो नेक होती है वो बेंड हो जाती है, अगर माइनर ऊपर नीचे होती है तो एलन की से होती है, अगर एलन की नहीं है यानी कि ट्रस रॉड नहीं है गिटार में, तो हम क्या करते हैं ये जो फ्रेट वायर होती है इसको उखाड़ देते हैं। फ्रेट वायर उखाड़ने के बाद ये जो नेक होती है इसको एकदम टूल से एकदम सीधा करते हैं, जब ये एकदम सीधा हो जाती है तो फ्रेट वायर रीअप्लाई करते हैं और उसके बाद गिटार प्ले करते हैं। तो ये था चौथा तरीका जिसकी मदद से आप अपना गिटार जो है वो रिपेयर कर सकते हैं उसके नेक बैंड। दोस्तों होपफुली आपको ये वीडियो जो है पसंद आई होगी, मैंने आपको चारों मेथड बता दिए कैसे आप अपना गिटार जो है उसको ठीक कर सकते हैं घर पे बैठ के भी और वैसे भी, लेकिन इनकी एक स्पेसिफिक वीडियो जो है वो भी मैं बनाने वाला हूँ इसी चैनल पे, थोड़ी बहुत वीडियोस के बाद ये रिपेयर सीरीज़ में आने वाली है कि आप कैसे ठीक कर सकते हैं। ये जो टूल्स हैं, ये जो इन टूल्स की जानकारी है सारी मैं आपको देने वाला हूँ, और इस सीरीज़ को आप देखते रहिए, आपको गिटार से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मैं इस सीरीज़ में दे दूंगा। अगर कोई वीडियो रह जाएगी तो आप नीचे मुझे डिस्क्रिप्शन में बता देना, वो वीडियो का सॉल्यूशन भी मैं आपको बना के दे दूंगा। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।